वर्ष 2018 में मंदसौर में हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में मंदसौर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल मंदसौर के हांदरडी गांव की रहने वाली पीड़िता मई 2018 में खुशी अपना 10वीं कक्षा का रिजल्ट लेने जा रही थी। उसी दौरान दो युवकों ने उसका अपहरण कर 3 युवकों को मारुति वैन में सौंप दिया था, जिन्होंने 3 दिन तक पीड़िता के साथ बलात्कार किया। बलात्कार के बाद जैसे तैसे पीड़िता युवकों से बचकर मंदसौर के कोतवाली थाने पर पहुंची थी, जहां से सितामो थाने पर सूचना दी गई, जिसके बाद युवती का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। टेस्ट में बलात्कार की पुष्टि भी हो चुकी थी। उस वक्त सितामो के तत्कालीन टीआई केएल डांगी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की विवेचना की थी। इसी मामले में अभियोजन द्वारा की गई पैरवी ने अपराधियों को जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया है और मंदसौर कोर्ट ने 5 आरोपियों को जीवन काल तक के लिए आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। बताया जा रहा है कि यह मंदसौर का पहला मामला है जिसमें इस तरह की सजा सुनाई गई है। ये थाना सीतामऊ का मामला है। दिनांक 15/4/2018 को पीड़िता, जिसकी उम्र 17 साल थी, खुशी खुशी अपने घर से 10वीं कक्षा का रिजल्ट लेने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उस दिन घर नहीं पहुंच पाने पर उसके भाई ने अगले दिन थाना सीतामऊ में रिपोर्ट की थी, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट की थी, जिसपे से अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उसके 3 दिन के पश्चात 18 तारीख को लड़की जो है लगभग शाम के समय में थाना शहर कोतवाली पर पहुंचती है और वहां जो महिला उपनिरीक्षक पदस्थ थी वंदना साकेवार, उसने देखी उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। उसने अपनी पूरी व्यथा सुनाई कि उसके साथ दो लोग उसको उठा लिए थे, दशरथ और फूलचंद, और 3 अन्य लोगों को उसने सौंप दिया था और 3 लोगों ने संजीत के पास किसी खेत कुएँ के पास संजीत रोड पर वहाँ उसके साथ जो है बारी बारी से सामूहिक बलात्संग किया और उसके साथ मारपीट भी की। मामले की गंभीरता को समझते हुए, चूँकि थाना सीतामऊ का मामला था, तत्काल वंदना साकेवार के द्वारा थाना सीतामऊ पर खबर की गई और उसके पश्चात थाना सीतामऊ उसके भाई को लेकर के थाना कोतवाली पे पहुंची और थाना कोतवाली पहुंचने पर उस लड़की ने अपने भाई को सारी व्यथा बताई, अपनी पूरी आपबीती बताई। उसके पश्चात उसका मेडिकल हुआ, मेडिकल में उसे 9 चोटें पाई गई, जो उसकी कहानी को बता रही थी कि हमने बिल्कुल सही बता रही है, और उसके कपड़े वगैरह भी फटे हुए थे और डॉक्टर ने भी अभिमत दिया था कि इसके साथ रेप हुआ है। उसके पश्चात अनुसंधान अधिकारी केएल लांगी थे, उन्होंने भी अन्य 2 आरोपियों को पकड़ा और उसके आधार पर 3 अन्य आरोपियों को पकड़ा। कुल 5 आरोपियों पर जो है इसमें गैंग रेप का चार्ज लगा था और पास्को के अंतर्गत मुकदमा चला था। ये मामला का निस्तारण बहुत जल्द हो गया होता, लेकिन डीएनए रिपोर्ट बाद में आई, विलंब से आई, उसके पश्चात लॉकडाउन हो गया था, फिर बचाव साक्ष्य वगैरह पेश हुआ, इस कारण से जो है थोड़ा विलंब हुआ। लेकिन कल जो है तृतीय परिषद न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश जो पास्को के हैं, श्रीमान जितेंद्र कुमार बाजोलिया साहब के द्वारा बहुत अच्छा निर्णय दिया गया है और इसमें डीएनए रिपोर्ट में आरोपियों की मिलान नहीं हो पाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो पीड़िता के गवाह थे और पीड़िता के भाई के गवाह थे, अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिनके द्वारा शिनागी कार्रवाई की गई थी उनके गवाह थे और पुलिस के गवाह थे, इन सभी गवाहों पर विश्वसनीयता दर्शाते हुए सभी आरोपियों 5 आरोपियों को आजीवन कारावास उनके मृत्यु पर्यंत तक की सजा सुनाई गई है और मंदसौर जिले का यह पहला मामला है जिसमें आजीवन कारावास मृत्यु पर्यंत तक सुनाई गई है, 5 आरोपियों को सजा हुई है।